हिमाचल में शिमला से 15 नवंबर को आरंभ होगी सवर्ण समाज अधिकार यात्रा। यह जानकारी देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि सवर्ण मोर्चा के अध्यक्षों ने मीडिया को दी। सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष रुमीत सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर ने कांग्रेस और भाजपा को घेरते हुए कहा कि दोनों दल वर्षों से स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन अब यह अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि स्वर्ण समाज अब एकजुट है, जिसके चलते अब उनका उपयोग केवल वोट बैंक की तरह नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंधे और बहरे हो चुके पक्ष और विपक्ष दोनों को उनकी निंद्रा से जगाने के लिए उनके द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है, जो हिमाचल से हरिद्वार तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने हिमाचल वासियों से इस महाक्रांति यात्रा में सहयोग की अपील भी की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमीत सिंह ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा 15 नवंबर से स्वर्ण समाज अधिकार यात्रा को शिमला चौड़ा मैदान से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सभी को आर्थिक आरक्षण मिले और सभी को समानता का अधिकार हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रदेशवासी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। सभी नंगे पैर 25 दिनों की यात्रा कर हरिद्वार जाएंगे और माता गंगा का आशीर्वाद लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि वापसी में विभिन्न जिलों से होते हुए माता गंगा को साथ में लाएंगे और 10 दिसंबर को धर्मशाला विधानसभा का घेराव करेंगे, ताकि सभी स्वर्ण विरोधी नेताओं जैसे कौल सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज और महेश्वर सिंह का शुद्धिकरण हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार विधानसभा का घेराव करीबन 1,00,000 स्वर्ण करने वाले हैं, जो हिमाचल में सबसे बड़ी क्रांति साबित होगी, जिसके आगे सभी दलों को झुकना होगा और उनकी मांगों को पूर्ण भी करना होगा। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा 15 नवंबर से स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा 800 किलोमीटर जो 25 दिन की रहने वाली है, शिमला चौड़ा मैदान से शुरू करके हम लोग वाया सोलन, वाया सिरमौर, नाहन पौंटा साहिब होते हुए हरिद्वार हर की पौड़ी पहुँचने वाले हैं और वहाँ से आर्थिक आरक्षण, समानता के अधिकार का गंगा जल लेकर हम लोग वाया यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बद्दी, ऊना, हमीरपुर होते हुए 10 दिसंबर को हम लोग विंटर सेशन जो धर्मशाला में तपोवन में बैठने वाला है, वहाँ पर हम लोग 1,00,000 की संख्या में धर्मशाला तपोवन का विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। गंगा मैया से आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के भीतर बैठे 68 विधायकों को सद्बुद्धि दे, उनको सही मानसिकता दे, गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर उनके वहाँ पर हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। और हमारा ये मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में ये बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी पदयात्रा पहली बार स्वर्ण समाज के अधिकारों को लेकर की जाने वाली है। हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश के 62,00,000 लोगों से ये निवेदन है कि इस पद यात्रा में 15 तारीख से जो शुरू सुबह 10 बजे की जाएगी, आप सभी लोग अपनी ओर से, चाहे आपकी ओर से धन की तरफ से हो, चाहे आपकी ओर से एक रोटी, एक घर का एक अभियान साथ में है कि आप जो रोटी अपने घरों से बनाकर, हमारी माताएं बहनें जो रोटी बनाकर हमें भेजेंगी, हम उन्हीं रोटियों का सेवन करेंगे। आपको रोटी की तरफ से, आपको अपने लोगों की तरफ से, धन की तरफ से, आप सभी लोगों को इस यात्रा में सहभागिता निभानी। इस 800 किलोमीटर की यात्रा में, पूरे इस 800 किलोमीटर के सफ़र में जो भी हमें जिस जिला में ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। और हमें चाहते हैं कि 10 दिसंबर को, आपको अधिकार के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर को आप सभी लोगों को 1,00,000 की संख्या में आपको शिमला, आपको धर्मशाला तपोवन पहुंचना है 10 दिसंबर को। अपने घरों के दरवाजे बंद करके निकलें, दुकानों के शटर बंद करके निकलें, कार्यालयों के ऑफिस के दरवाजे बंद करके निकलें। लेकिन इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन की मांग जहां 10 महीने से चली है और इस हिमाचल प्रदेश में बैठी जो सरकार और विपक्ष अभी तक चुप्पी साधे बैठा है, मुँह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है साथियों। अब इस समय को हमें गंवाना नहीं है और एक बहुत बड़ी संख्या में निकल कर, बहुत बड़ी ताकत में निकलकर, हमने कहा है कि भाजपा कांग्रेस के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान के रूप में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा खड़ा होने जा रहा है। आप सभी लोगों को अपनी पूर्ण सहभागिता निभानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्धिकरण होगा इन स्वर्ण विरोधी नेताओं का, कौल सिंह ठाकुर जैसे, सुरेश भारद्वाज जैसे, महेश्वर सिंह ठाकुर जैसे और जितने भी ऐसे ठाकुर और ब्राह्मण नाम के आगे लगाकर स्वर्ण समाज का विरोध सरेआम करते नजर आ रहे हैं, सबका शुद्धिकरण होगा। उन विधायकों का शुद्धिकरण होगा जिन्होंने आज तक स्वर्ण समाज के अधिकारों के लिए बात नहीं करी, सिर्फ वोट बैंक मात्र हम लोगों का प्रयोग किया। हमारे लिए इन्होंने कोई नीति, कोई योजना बनाने का आज तक काम नहीं किया। तो समय परिवर्तित हो चुका है और अब समय सही समय आ गया है कि इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में, जिसको देवभूमि देवों की भूमि कहा जाता है,
और देवों की भूमि में शुद्धिकरण होता है। और इन जो 68 विधायक हैं, 68 के 68 विधायकों का मुख्यमंत्री साहब के समेत एक शुद्धिकरण का अभियान इस पद यात्रा के द्वारा शुरू किया जा रहा है।